Good morning, all of you. I hope you will be fine. Today it is day 38 class of English grammar of grade 4. And in our previous class, we were reading our chapter 4 collective nouns. Today we will continue our chapter on exercise B on page number 11. Okay, let's start exercise B. Draw lines to match the collective nouns in column A with the column nouns in विद द कॉमन नाउन्स इन कॉलम बी यानी कि हमें कलेक्टिव नाउन को कॉलम नाउन से कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है ओके हियर आर कॉलम ए एंड हेयर आर कॉलम बी ओके लेट्स स्टार्ट फर्स्ट है आपका बैंड ये है आपके कलेक्टिव नाउन और इधर आपके है आपके कॉमन नाउन बैंड को हम मैच करेंगे म्यूजिशिय जी से, G से. ओके okay. सेकंड है सेकंड है पैकेट पैकेट सो हम मैच करेंगे आई बिस्किट से थर्ड है आपका ब्रॉड इसको हम मैच करेंगे जे चिकन से फोर है पैक पैक को हम मैच करेंगे एफ वॉल से फाइव है बार बार को हम मैच करेंगे एच चॉकलेट से सिक्स है ट्रोप ट्रोप को हम मैच करेंगे ई e, एक्टर से वन है आपका कलेक्शन कलेक्शन को हम मैच करेंगे बुक्स बी से एट है आपका ब्लॉक ब्लॉक को हम मैच करेंगे ए अपार्टमेंट से नाइन है आपका फ्लिट फ्लिट को हम मैच करेंगे सी शिप्स से टेन है फ्लॉक फ्लॉक को हम मैच करेंगे डी शिप से ओके okay, नाउ एक्सरसाइज सी फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्राइट कलेक्टिव नाउंस आपके यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए हैं जिनसे आपको आपके सेंटेंस को फिल करना है आपके सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन्स दिए हुए जो है क्रू कलेक्शन हड बंडल टीम गैंग स्वर्म एंड कमेटी ओके फर्स्ट है मिस्टर सोनी हैज ए लार्ज डैश ऑफ स्टैम्प स्टैंप्स के लिए हम कलेक्शन यूज में लेते हैं सो वी राइट हियर कलेक्शन सेकेंड है राहुल कैरिड द डैश ऑफ क्लोज ऑन हिज शोल्डर राहुल शोल्डर्स का जो बंडल लेके आए वो कपड़ों का बंडल होता है सो वी फिलयर बंडल थर्ड है द पुलिस हैव आइडेंटिफाइड द डैश ऑफ रॉबर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी इन द नेबरहुड तो रॉबर्स के लिए हम गैंग वर्ड यूज में लेते हैं सो वी राइट हेयर गैंग फोर्थ है देयर आर इलेवन प्लेयर्स इन क्रिकेट Team. we fill here team. five, the spreading truck was stopped by a herd. now, six, there was a dash of bees in my garden. swarm of bees. seven, the managing dash will hold its meeting in september. managing committee. and it had the dash of sellers had to face a storm in the sea. the crew of sellers. Now remaining chapter we will continue in our next class.